खरगोन में भीषण बस हादसे की प्रारंभिक पुलिस जांच में तेज रफ्तार और ओवरलोडिंग के चलते बस हादसे होने की बात सामने आ रही है। एसपी धर्मवीर सिंह ने मीडिया को बताया कि जांच में तेज स्पीड और ओवरलोडिंग के चलते ही हादसा हुआ है। ऊन थाना पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का प्रकरण बस ड्राइवर सुनील राठौर, कंडक्टर संतोष बारचे और मालिक प्रवीण सोहनी महाराज के खिलाफ दर्ज किया है। बस कंडक्टर संतोष बारचे की हादसे में मौत हो गई है। गंभीर घायल ड्राइवर सुनील राठौर निजी अस्पताल में आईसीयू में भर्ती है। बस मालिक प्रवीण सोहनी महाराज की तलाश कर रहे हैं। इधर पुलिस ने ओवरलोडिंग को लेकर हादसे के बाद 57 यात्री बस माल वाहक और वाहन जब्त किए हैं। पुलिस कार्यवाही से हड़कंप मचा हुआ है। निजी अस्पताल में भर्ती आरोपी चालक सुनील राठौर का कहना है कि कमानी का पट्टा टूटने पर अनियंत्रित होकर पुल से बस नीचे गिरी। पुलिस कस्टडी हिरासत में आईसीयू में भर्ती सुनील राठौर ने बार बार बयान बदलने की बात से इनकार किया है। गौरतलब है कि 9 मई मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में 24 से बढ़कर 25 लोगों की मौत हो गई है। सर, गाड़ी का मेन पत्ता टूटने से हुआ। अच्छा, नहीं सब बता रहे हैं कि तेज था वाहन, बहुत तेज चल रहा था, घायलों ने बताया। इतना तेज थोड़ी चलता सर, सिंगल गोला है वो टर्न वाला था, इतनी स्पीड में गाड़ी नहीं रहती है वहाँ पे। तो कौन सा पत्ता टूटा है? मेन पत्ता सर। आपको कैसे पता चला? हाँ, कमानी का पत्ता नहीं, पर आप पुलिस का कहना है कि आप बार बार बयान बदल रहे हो। बयान क्यों बदलूंगा सर, जो भी आ रहे हैं मेरे पास सब यही जवाब दे रहा हूँ मैं सबको। पत्ता क्या हुआ था अचानक? सवारी कितनी थी गाड़ी? गाड़ी में सवारी थी 60 के रुपये, 60 के ऊपर सवारी थी। कैसे कैसे हुआ, कहाँ से आपको लगा ये सब? मेरे जैसे टेपर को था कि नहीं, ऐसे घट टक करते आवाज आई, तो ऐसे मैंने कंट्रोल करने की कोशिश करी गाड़ी को, एक रॉड सेट पूरी जा रही थी वो, फिर भी उसको बचाने की कोशिश करी पर वो संभल नहीं पाई। तो आप कहाँ थे फिर? तो उस गाड़ी में ही थे? हाँ, गाड़ी में था। आपको भी लगी? हाँ लगी। कंडक्टर की मौत हो गई? ये नहीं मेरे को मालूम, फिर उसके बाद में मैं नीचे जैसे गिरे तो आप गाड़ी के सही गिरे? हाँ, गाड़ी के सही, मतलब पुल के नीचे आप भी गिर गए। तो रेलिंग कैसे टूट गई, एकदम अनियंत्रित हुई गाड़ी? जैसे गाड़ी एकदम उधर रॉड साइड हुई ना, पत्ता टूटने से। क्या नाम है आपका? सुनील राठौर। किस प्रकार की गाड़ी? कल जो बस एक्सीडेंट की दुखद घटना हुई है उसमें एक बड़ा कारण ओवरलोडिंग था। ओवरलोडिंग को लेके जैसे कि शासन के निर्देश भी हैं, तो कल से ही एक कम्बाइंड ऑपरेशन हम लोगों ने चलाया है। इसमें चाहे वो यात्री वाहन हो, चाहे वो माल वाहन हो, सभी के अंगेंस्ट में कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक लगभग 57 के आसपास हम लोगों ने बसों के अंगेंस्ट में कार्रवाई की है, जिनमें कि अभी भी इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी बड़ी संख्या में अभी ओवरलोडिंग हो रही है। तो यात्री वाहन और मालवाहक वाहन सभी के अंगेंस्ट में विशेष अभियान चला के ओवरलोडिंग कार्रवाई पूरे ज़िले में की जा रही है। कल जो घटना घटित हुई है उसकी सारे एंगल्स पे जो प्राइमरी एविडेंस आए हैं उसमें ये एक तो ओवरलोडिंग मेजर कारण था। ओवरलोडिंग के अलावा जो रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग थी उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी। अभी सुबह भी एक्सपर्ट ने उसको एग्जामिन किया है, तो ये सारे कारण थे। इसी की वजह से इसमें हमने गैर इरादतन हत्या केस रजिस्टर किया है। इसमें जो वाहन का संचालक है गणेश महाराज, वो ड्राइवर सर्वाइव कर गया है, उसके अगेंस्ट में 304 और 34 में केस रजिस्टर किया है। क्योंकि ये ओवरऑल जो नेग्लिजेंस है, ओवरलोडिंग है, ओवर स्पीडिंग है, इससे ये क्लियर कट संज्ञान लिया है कि इसमें इनकी जानकारी में था कि इनका ये जो आचरण है इसके कारण लोगों की मौत हो सकती है, तो गंभीर धाराओं केस रजिस्टर किया है और इसमें जो वाहन संचालक है उसकी जिम्मेदारी निर्धारित की गई है। इसमें सर चालक जो है उसको क्या पुलिस हिरासत में भी इलाज चल रहा है? हाँ, वो बेसिकली अभी उसकी सीरियस कंडीशन है, उसको मेंटल ट्रॉमा जैसी कंडीशन है, विराज हॉस्पिटल में एडमिट है, पुलिस की कस्टडी में है। परिचालक के सर, परिचालक की तो मौत मौके पर डेथ हो गई थी सर, उसके खिलाफ भी प्रकरण दर्ज। हाँ, क्योंकि ये जो घायल लोग थे उन्होंने बताया था कि वाहन मालिक और परिचालक ने मिल के ओवरलोड कर सवारियाँ बिठाई थी, उसकी वजह से ये पूरा घटना घटित हुआ है। देखिए, जो ड्राइवर है वो तो अभी एडमिट है, जो संचालक है गणेश महाजन वो एब्सकॉन्ड कर रहा है, उसकी गिरफ्तारी प्रयास किए जा रहे हैं, शीघ्र गिरफ्तारी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट।